नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवेश सैनी और आज ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है, यानी कि अगर हम हिंदी में कहें आज विश्व हाथ धुलाई दिवस। 15 अक्टूबर हर साल ये हैंड वॉशिंग डे के रूप में मनाया जाता है। तो हाथ धुलने की क्या अहमियत है दोस्तों, इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। और ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 2020 15 अक्टूबर 2020 में आपका मतलब जो इस बार चूंकि कोरोना चल रहा है तो कोरोना की वजह से इसकी थीम चेंज कर दी गई है, तो पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर करें अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में। हाथ धुलने की इम्पोर्टेंस के बारे में इसमें चर्चा करूँगा। दोस्तों पिछले कई वर्षों से 15 अगस्त को हम ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के रूप में सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। इसमें क्या होता है, स्वयंसेवी संस्थाएं, सरकारी विभाग, स्वास्थ्य विभाग खासकर, और जो ICDS डिपार्टमेंट है, बाल विकास केंद्र जो होते हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स, प्राइमरी स्कूल्स आदि पर ये बच्चों को हाथ धुलने का तरीका समझाया जाता है, किस तरह से प्रॉपर हैंड वॉशिंग की जाती है। चूँकि इस बार कोरोना की वजह से स्कूल कॉलेज बंद है, तो सोशल मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जा रहा है ताकि ये वीडियो आप लोगों तक सब से पहुँचे। इसमें मेन चीज़ें दोस्तों आपको सीखना है क्या हैंड वॉशिंग से किन किन बीमारियों से हम बच सकते हैं, और साथ ही साथ हैंड वॉशिंग का क्या प्रॉपर तरीका होता है। मैं हिंदी में समझाऊंगा, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है सुमन के जो फॉर्मूला है, ये सबको एक बहुत जल्दी आसानी से समझ में आ जाता है। तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूँगा प्रॉपर हैंड वॉशिंग से आप किन किन बीमारियों से बच सकते हैं। दोस्तों हमारे जो हाथ होते हैं, चूँकि इन्हीं से ही हम सभी वस्तुओं को पकड़ते हैं अपना, यहाँ तक कि जो शरीर का गंदगी भी साफ होता है इन्हीं हाथों से, फिर इन्हीं हाथों से हम खाना खाते हैं। तो बाहर के पैथोजेंस जो होते हैं हम बॉडी में एंट्री करते हैं इन हाथों के द्वारा। इन हाथों पर असंख्य संख्या में कीटाणु, वायरस, बैक्टीरिया होते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि हम कहीं जा रहे हैं, कहीं गंदी जगह पर हमारा हाथ लग गया, या मलमूत्र में प्रॉपर आपने हैंड वॉशिंग नहीं करी पॉटी करने के बाद, फ्रेश होने के बाद में, तो कीटाणु हमारे शरीर में फिर चले जाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या क्या बीमारी हो सकती हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या होता है कि असंख्य संख्या में जो कीटाणु होते हैं हमारे पेट में जाते हैं, पेट से फिर वो ब्लड में आ जाते हैं, ब्लड से अलग अलग अंगों में जा सकते हैं। तो हाथों में लगी गंदगी के कारण आपको सबसे पहले जो कृमि होते हैं, परजीवी जिनको हम बोलते हैं, हमारे हाथों के आंतरों में परजीवी होते हैं। एस्कैरिस जो होता है दोस्तों, ये पेट में एक गोल, जैसे आपने केंचुए देखे हैं पेट के, केंचुए इनको कह देते हैं, ये इसका जो अंडा होता है ये हमारे हाथों में गंदगी के द्वारा ये हमारे पेट में जाता है। और एस्कैरिस का जो अंडा होता है वो जब गल जाता है तो एस्कैरिस का लार्वा निकल जाता है, वो हमारे हाथों में पनपते हैं बहुत असंख्य संख्या में, और वो हमारे हाथों में बड़े बड़े खून को चूसते रहते हैं, और जिसके कारण खून की कमी और अनेकों तरह के रोग हो जाते हैं। एक होता है टेप वर्म या फीता कृमि कहते हैं, राउंड वर्म्स होते हैं, अनेकों तरह के वर्म्स होते हैं। फिर बैक्टीरिया की बात करें तो टाइफाइड का कीटाणु, टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड का जो बैक्टीरिया होता है, टाइफाइड, टीबी, हैजा, ये अनेकों तरह के जो GIT इन्फेक्शन होते हैं, पेट वाले इन्फेक्शन जो होते हैं हमारे गंदे खान पान के कारण होते हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, आजकल कोरोना चल रहा है तो हैंड वॉशिंग कोरोना काल में बहुत ज़रूरी है। तो ये अनेकों तरह की इम्पोर्टेंस मैंने आपको बताई है। ये हैंड वॉशिंग जो होती है आपके कृमि से, बैक्टीरिया, वायरस, अनेकों तरह की गंदगी जो जाती है पेट में, उससे बचाव करती है। अब मैं चर्चा करूँगा प्रॉपर हैंड वॉशिंग के बारे में। तो प्रॉपर हैंड वॉशिंग जो तरीका होता है दोस्तों, टोटल लगभग 15 से 20 मिनट इसमें सेकेंड लगते हैं। इसमें दोस्तों लगभग 20 सेकंड का ये तरीका होता है सुमन के। तो दोस्तों जो प्रॉपर हैंड वॉशिंग का जो तरीका होता है मैं आपको समझाता हूँ, बहुत छोटा सा एक फार्मूला आपको याद करना है, सुमन के फार्मूला आप याद रखेंगे तो आपको कभी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और आप सभी बच्चों को समझा सकते हैं। तो हम लोग चूँकि आंगनवाड़ी सेंटर्स पर, स्कूल पर जाते हैं बच्चों के रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए, तो उसमें हम तरीका समझाते हैं। बच्चे
इससे बहुत आसानी से समझ जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को रिमेम्बर करने की जरूरत है केवल सुमन के। अब मैं आपको समझाता हूँ, सुमन एस, एस फॉर सीधा, यानी कि हाथ को इस तरह से सुनना है। यू, यू फॉर उल्टा। एस यू एम, एम फॉर मुट्ठी, इस तरह से आपको मुट्ठी साफ करनी है। एम ए, ए फॉर अंगूठा, ये अंगूठा आपको साफ करना है। एन, एन फॉर नाखून, नाखून से इस तरह से ये आपको गंदगी, जमी हुई गंदगी को हटाना है। के फॉर कलाई, ये कलाइयाँ आपको साफ करनी है। तो दोस्तों बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है सुमन के। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, आपको हैंड वॉशिंग, इसमें क्या प्रॉपर हैंड वॉशिंग से आपके जो गंदगी है व्यक्ति है समझ जाएंगे। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करें दोस्तों, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है, कोरोना काल में बीमारी को भगाने के लिए इसको जरूर अप्लाई करें, शेयर करें, सभी बच्चों को जरूर सिखाएं। धन्यवाद, नमस्कार।